एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। आज मैं दिखाऊंगी पुराना ब्लाउज के साइज के हिसाब से नया ब्लाउज कैसे कटिंग करोगे, तो चलिए देखते हैं। आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो वन फोल्ड कर लेना जैसे हमने कर लिया, उसके बाद दूसरा ब्लाउज को उल्टा साइड रखना। पहले ब्लाउज का लेंथ माप लेंगे। ब्लाउज का लेंथ है 13 इंच, तो हमने पहले ब्लाउज का फुल लेंथ लेंगे 13 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, तो हम 14 इंच में मार्क कर लेते हैं। अब ब्लाउज का चेस्ट का माप लेंगे। आधा है 18 इंच, 18 का डबल करने से होगा 36 इंच, यानी यह है 36 इंच का ब्लाउज। तो 36 इंच का शोल्डर हमने 5.5 लेते हैं, तो यहीं से हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और 36 इंच में आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच। को 1/4 करने से होगा 9 इंच, तो यहीं से हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। आप हाफ इंच भी ले सकते हैं, जस्ट स्टिचिंग के लिए हाफ इंच लेने से काफी हो जाएगा, लेकिन 1 इंच रखेंगे बाद में अगर वो लूज करना चाहते हैं तो। अब हम वेस्ट का माप लेंगे। वेस्ट का आधा है यहाँ पे 15 इंच, यानी 15 का पूरा है 30 इंच। तो वेस्ट है 30 इंच, 30 का 1/4 है 7.5 इंच, 1 इंच जाएगा बैक दर्ट के लिए और 1 इंच रखेंगे स्टिचिंग के लिए। दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। आप पुराना ब्लाउज का पैटर्न का माप फॉलो कीजिए, जस्ट उसका माप लेना और आपका जो थियोरी मैंने सिखाई हूं उस थियोरी पे चलना। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। यहीं पे थोड़ा सा डाउन कर लेना, क्योंकि जब एक्स्ट्रा होगा तो डाउन हो जाएगा। अब हम नेक का चौड़ाई लेंगे। नेक का चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और बैक नेक का लंबाई लेंगे हम 8 इंच। कस्टमर का बैक नेक का लंबाई है 8 इंच, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल नेक रखने के लिए बोला है, तो हम यहीं पे 8 इंच रख रही हूँ, इसलिए 2.5 इंच पे मार्क किया। अगर 8 इंच से ज्यादा लेंगे तो 9 इंच, 10 इंच या 11 इंच लेते तो यहाँ पे नेक का चौड़ाई हम यहाँ पे 2 इंच लेते। 8 इंच से ज्यादा लेने से नेक का चौड़ाई तक कम कर लेना। अगर नेक का चौड़ाई ज्यादा लोगे तो शोल्डर आपको गिरने का चांसेस रहेगा, इसलिए 8 इंच तक आप नेक रखोगे तो नेक का चौड़ाई 2.5 इंच रखना, और 8 इंच से ज्यादा लो तो नेक का चौड़ाई 2 इंच रखना। इसे भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उन्होंने स्क्वायर नेक रखने के लिए बोला है, इसलिए हम नेक को स्क्वायर रखेंगे, तो यहीं से 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं और नेक को ऐसे
शेप दे देंगे, यानी हाफ इंच अंदर साइड मार्क कर लेके उसको ड्राइंग कर लेंगे। इस मार्क बराबर हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का कटिंग कर लिया, तो बैक पार्ट का ड्राइंग हो चुका है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए बैक पार्ट को कटिंग कर लिया, अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम सिंगल पार्ट में कटेंगे, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे कम है इसलिए हम सिंगल पार्ट में कटेंगे, उसके बाद हम दूसरा पार्ट निकल लेंगे यहीं से। इस साइड से एक सीधा करने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और नीचे से भी सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन से अंदर साइड 2 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेंगे। मार्क बराबर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मार्कर थोड़ा कम दिख रहा है, अब मैं जैसे बोलूंगी वैसे ही फॉलो करते जाना। ब्लाउज का हाइट है 13 इंच, तो इसलिए हम नीचे से 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अगर 14 इंच हाइट हो तो 5 इंच लेते, 15 इंच हो तो 6 इंच लेते। यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ है 13 इंच, तो हम नीचे से 4 इंच छोड़ के और एक मार्क कर लेते हैं। इसे भी सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्क बराबर हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। और जैसे हम ड्राइंग कर रहे हैं ऐसे आप ड्राइंग कर लेना, क्योंकि मेरा मार्कर जो है थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि प्लीज मुझे फॉलो करना। बैक पार्ट को ऐसे बिठा के ड्राइंग कर लेना। बैक पार्ट को ड्राइंग कर लिया। यहीं से हम फ्रंट नेक का माप लेंगे। फ्रंट नेक लेंगे 5.5 इंच। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। पॉइंट को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। लास्ट वाला जो लाइन है पहले काटी थी सीधा लाइन ड्रॉ करने के लिए, उस लाइन के साथ हम मिलाएंगे। यहीं से हम 3 इंच पे अंदर साइड मार्क कर लेते हैं। और यहीं से 1/2 इंच ऊपर मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को मिलाएंगे। यहीं से 2 इंच नीचे साइड मार्क कर लेते हैं। टू इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट को इस लाइन के साथ मिलाएंगे।
पॉइंट और इस पॉइंट को हम राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को तीरा करके मिला सकते हैं। यह है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा डाउन करेंगे, थोड़ा सा डाउन करना, ज्यादा मत करना। इस पॉइंट से हम 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब हम काटोरी का माप निकल लेंगे क्योंकि यहीं पे हम दिखा नहीं सकते, ड्राइंग थोड़ा कम हो रहा है इसलिए हम पेज में दिखाते हैं। ब्लाउज का चेस्ट है 36 इंच। 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3.6 इंच। उसी के साथ हम 2 इंटू करेंगे, होगा हमारा 7.2 इंच। यह है काटोरी का माप। इसी के साथ हम आपका बास्ट ज्यादा हो तो 1 इंच लेना स्टिचिंग के लिए और कम हो तो 1/2 इंच लेना। तो हम यहीं पे 1 इंच लेंगे क्योंकि जिसका साइज का ब्लाउज मैं बना रही हूँ उसका बास्ट ज्यादा है इसलिए हम स्टिचिंग के लिए 1 इंच रख रही हूँ। तो टोटल होगा हमारा 8.2 इंच। यहीं से जो 6 इंच पे मार्क किया था उस मार्क बराबर हम ये लास्ट वाला लाइन से 8.2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। मिलाएंगे यहीं से हम 1.4 इंच पे मार्क कर लेंगे ऊपर साइड, 1.5 इंच से एक सूता कम, और यहीं से भी 1.4 इंच पे मार्क कर लेंगे ऊपर की तरफ। इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वहीं पे हम मार्क करेंगे। 8.2 इंच का मिड पॉइंट है 4.1 इंच, तो यहीं पे हम मार्क कर लिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तिरछा करके। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तिरछा करके। ये जो फ्रंट आर्म होल का मार्क किया है यहीं से हम 2.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। ये हो गया हमारा ऊपर का कटोरी। अब हम नीचे का कटोरी का माप लेंगे। बहुत ही इजी है, सिर्फ थियोरी को फॉलो करना। यहीं से हम 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इस लाइन इस पॉइंट के साथ सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। यहीं से हम 1.4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। जैसे यहीं से यहीं तक माप लिया था वैसे यहीं से यहीं तक माप लेंगे और यहीं से 0.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं, यानी 0.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहीं से 1/2 इंच डाउन करेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। इसका
इसका सीधा है, ये है मिड पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। यही से हम 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और यहीं से और 1/2 इंच डाउन करेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को तिरछा करके मिलाएंगे। कर्व करके मिलाएंगे। इस लाइन और इस लाइन बड़ा बड़ा हम बैक पार्ट को फिर से बिठाएंगे। पहले इस लाइन से बिठाया था। अब सीधा मार्क कर लेते हैं इस लाइन को, इस साइड को हम मार्क कर लेते हैं। यहीं से यहीं तक जो माप होगा वो है 4.5 इंच, तो हम यहां से 3.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं, यानी 1.25 इंच कम। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। ड्राफ्टिंग हमारा हो चुका है, अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। प्लीज ध्यान से कटिंग को देखना, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बार बार वही एक बात कह रही हूँ, इसलिए कटिंग को ध्यान से देखना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। कटिंग हमारा हो चुका है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।